नमस्कार, जय गणेश। मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल। और आज का ये वीडियो है कुंभ राशि के लिए दिसंबर 2018 कैसा रहेगा उसके बारे में। तो सर्वप्रथम बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह शनि महाराज के बारे में। शनि महाराज आपकी राशि से 11वें स्थान के अंदर चल रहे हैं, जो लाभ स्थान है। यहाँ पर आपको लाभ देने वाले हैं, मित्रों से लाभ रहेगा, आपके वर्कर्स हैं उनकी ओर से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन मकर राशि, कुंभ राशि के अंदर जो कोई भी जातक का जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, इनके लिए जो ये शनि का ट्रांजिट पूर्व षाढ़ नक्षत्र में चल रहे हैं, इतना शुभ नहीं है, क्योंकि आपके ओपोजिशन में प्रत्यरि जोन में चल रहे हैं। फिर भी लाभ स्थान है, इसके लिए लाभ तो मिलेगा। लेकिन कुंभ राशि के अंदर जो कोई भी जातक का जन्म कनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, इनके लिए शनि का ट्रांजिट लाभ स्थान के अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करवाने वाला होगा मित्रों की ओर से, क्योंकि आपके जो शनि है ये आपके वध तारा के अंदर चल रहे हैं। और कुंभ राशि में ही शतविशा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए शनि साधक जोन के अंदर चल रहे हैं, सक्सेस जोन के अंदर चल रहे हैं, तो आपको सफलता देने वाले हैं, आपको मित्रों से लाभ करवाने वाले हैं। तो ये जो डिफरेंस है नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी का, कि आप देख रहे हैं कि एक ही राशि के अंदर जन्मे हुए अलग अलग नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए गोचर के अंदर जो प्रेडिक्शन है वो अलग अलग है। हमारे प्रत्येक प्रेडिक्शन जो है राशि के नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है, नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन है। नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन जो है वो सत्य के करीब है। और देखते रहिए प्रेडिक्शंस, और अपने मित्रों को, अपने स्नेहियों को चैनल सब्सक्राइब करवाइए और साथ में बेल का आइकन बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि जब बेल का आइकन बटन दबाते हैं तभी आपको नोटिफिकेशन मिलता है मोबाइल में या तो आपके मेल के अंदर, जब भी आप कंप्यूटर ओपन करते हो। जब तक आपने बेल का आइकन बटन नहीं दबाया तब तक आपको शायद नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल का आइकन बटन जरूर दबाइए। और बात करते हैं प्रेडिक्शन के अंदर मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल ग्रह आपकी राशि के अंदर चल रहे हैं, जो आपके लिए लक्ष्मी योग कार का है। और ये मंगल का ज़्यादा शुभ मंगल जो है वो कुंभ राशि के अंदर सबसे ज़्यादा शुभ फल देने वाले बनेंगे इस मंथ के अंदर शतविशा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए, क्योंकि मंगल का जो नक्षत्र है इस मंथ के अंदर शुरू होता है पूर्व भाद्रपद, और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आपके लिए संपद है। वैसे कुंभ राशि में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए भी शुभ है, लेकिन शतविशा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को इसका ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मंगल का नेगेटिव इफेक्ट क्या है आपके लिए, क्योंकि मंगल आपके राशि के अंदर चल रहे हैं, जिसके चलते हुए आपका थोड़ा टेम्परनेस बढ़ेगा, आपका मेंटल स्ट्रेस तो नहीं बोलेंगे इसको, टेम्परनेस बोलेंगे, उग्रता गुस्सा जल्दी आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। और इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, यदि आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर के साथ, यदि आप मैरिड हैं तो पार्टनर के साथ, और यदि आप अनमैरिड हैं तो माता के साथ, क्योंकि चौथे स्थान के अंदर दृष्टि है, माता के साथ मन मोटा होना हो उसका केयर करना होगा। और यदि आप मैरिड हैं तो पार्टनर एवं अपने इन लॉज के साथ आपको रिलेशनशिप में विशेष केयर करना होगा। सूर्य ट्रांजिट आपके लिए बहुत शुभ है। सूर्य आपकी राशि से 10वें स्थान के अंदर चल रहे हैं, जो आपके लिए राजयोग कारक हैं। यहाँ पर बुध गुरु भी साथ में चल रहे हैं, और सूर्य बुध गुरु का जमावड़ा आपको एक करियर के लिए नई हाइट के ऊपर जाने के लिए तैयार करेंगे। और 16 दिसंबर 2018 से सूर्य आपके चलेंगे 11वें स्थान के अंदर, जो भी आपके लिए बहुत शुभ है, मित्रों से लाभ करवाएंगे, सरकार से लाभ करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन भी हो सकता है मित्रों के साथ, फादर के साथ, अपने संतानों के साथ। जो भी जातक पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई में विशेष ध्यान देना होगा, और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट महसूस करेंगे लव मैटर के अंदर 16 दिसंबर 2018 के बाद, जब सूर्य शनि का संयुक्त कॉम्बिनेशन आपकी राशि से 11वें स्थान के अंदर होगा।
शुक्र ग्रह का जो भ्रमण है वो आपकी राशि से नौवें स्थान में है, भाग्य स्थान के अंदर है, जो आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि ये मंथ जो है दिसंबर आपकी करियर के लिए एक यू टर्न लेके आने वाला है महीना रहेगा, आपको नई हाइट पे ले जाने के लिए तैयार करेंगे। यदि आपके कोई मित्र हैं कुंभ राशि वाले तो वीडियो आप उनको जरूर शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल का आइकन बटन जरूर दबाइए। आप जहाँ भी रहो खुश रहो प्रसन्न रहो, ऐसी शुभकामना के साथ जय गणेश।